के ग्राम उसंड स्थित राइज इंग्लिश एकेडमी में वार्षिक समारोह और पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे स्थानीय विधायक नरेश सैनी ने कहा कि हमें अपने बच्चों को हायर व मॉडर्न शिक्षा दिलाने का प्रयास करना चाहिए। कार्यक्रम में बच्चों ने फिल्मी व धार्मिक गीतों पर प्रस्तुति देकर सबका मन मोह लिया। संस्था के प्रबंधक विशेष सैनी ने बताया कि संस्था में टॉपर छात्रों को निःशुल्क शिक्षा देने का प्रबंधन कमेटी ने निर्णय लिया है और देहात में इन्होंने अपनी जो एकेडमी खड़ी करी इस पिछड़े क्षेत्र में, इसके लिए बार बार दिल की गहराइयों से इनका धन्यवाद, क्योंकि शहर में तो ये काम बहुत आसान है क्योंकि वहाँ पैसे वाले लोग रहते हैं, बिजनेस व्यापारी लोग रहते हैं और फीस भी अच्छी खासी मिलती है। लेकिन इस क्षेत्र में जहाँ हमारे संसाधन कम हो, उस कम संसाधन में भी इन बच्चों को, इन गार्जियन को जो सुविधा दी, इसके लिए मैं किन शब्दों से इनके का धन्यवाद दूँ, किन शब्दों से इनको बधाई दूँ, वो मेरे पास नहीं है। पिछले 4 साल से कार्य में और आज ये स्कूल में एनुअल फंक्शन है, एनुअल फंक्शन के साथ बहुत अच्छा प्रोग्राम है बच्चों का और प्राइज दिए गए हैं, फर्स्ट सेकंड है और जो बच्चे हमारे टॉपर है फर्स्ट नर्सरी एलकेजी यूकेजी में उनको टॉपर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ में जो टॉपर है और 6, 7, 8 में जो टॉपर है, उनकी आने वाले इस सीजन में यानी कि 2017 और 2018 में जो बच्चे हमारे स्कूल में 3 टॉपर है उनके पूरे साल की कोई फीस स्कूल को नहीं है, यानी कि वो 3 बच्चे हमारे यहाँ पूरे साल फ्री पढ़े। जो स्कूल के 3 टॉपर हैं फर्स्ट सेकंड और थर्ड, जी जो नर्सरी एलकेजी यूकेजी में टॉपर है वो फ्री है, जो फर्स्ट टू सिक्स में जो टॉपर है वो फ्री पढ़ेगा, जो 6, 7, 8 में टॉपर है वो बच्चा फ्री पढ़ेगा, पूरे साल उनसे स्कूल की कोई फीस नहीं ली। ये स्कूल की कमेटी का निर्णय है और स्कूल की कमेटी ने ही रात में डिक्लेयर कर दिया था कि 3 बच्चों की पूरे साल की फीस नहीं ली।